ये देखो लर्नर को हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम जाने वाले हैं वो आपका ओली, वो है आपका जोशीमठ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है वो। तो पहले हमें जोशीमठ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आगे। तो हम हैं 6 लोग, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, लेट्स गो। जनवरी का महीना है और ओली में बर्फ गिरी होगी, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ करते हैं स्केटिंग। तो चलिए, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे, अब हूँ हवाले, अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियाँ, फिर धुआ धुआ तन हर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो, किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं, शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक ओ, 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 फिर से उड़ चला। अभी हम पहुंच चुके हैं चंबोली, अभी यहां से आगे जाना है जोशीमठ के लिए, लगभग है वो 50-60 किलोमीटर। तो चले चलते हैं, बहुत ठंड हो रही है। पात पात मेरे साथ साथ फिर दर दर ये, कभी सहरा कभी सावन बनू रावण, जीव मर मर के कभी डाल डाल कभी पात पात। चल रही पीपल कोटी से 10 आगे, और अभी हमें जाना है कितना किलोमीटर, 48 किलोमीटर दौड़। इधर उधर तितर बितर क्या है पता, हवा ले ही जाए तेरी ओ, खींचे तेरी यादें तेरी ओ। ये देखिए, अब यहाँ से ऊपर है ओली, यहाँ से आगे है जोशीमठ, हम चल रहे हैं ओली, हम यहाँ से ऊपर चलेंगे। तब तक हम अपने दोस्तों का वेट करते हैं, जो भी आने वाले होंगे। मैं उड़ता फिरूं रंग बिरंगे वहमों में, मैं उड़ता फिरूं है। वो है यहाँ का सुसाइड पॉइंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे देखने में डर लग रहा है, बहुत ही खतरनाक। ये है यहाँ का सुसाइड पॉइंट। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। ऊपर चेयर लिफ्ट में फिर ऊपर चलते हैं, फिर वहाँ स्केटिंग करते हैं। आपको मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ का। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया, अरे कोई तो जाओ। दोस्तों ये है लिफ्ट ऊपर जाने, इसके लिए लाइन लगा रखे हैं।
जाओ उसको बुलाओ न माने तो उसको डांट भी लगाओ मेरा दिल कहीं दूर। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम पैदल जाएं ऊपर या तो स्लिप में जाएं। कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। दोस्तों ये फाइनल है, यहाँ पे से आपको ऊपर बैठने को मिलेगा। तो ये देखिए ये देखिए देखिए, डरने लग रहे हैं इनको। ये आपको जोशीमठ से भी मिलेगा और यहाँ पे स्थित मिलेगा। अब हम चल रहे हैं पैदल, पैदल में ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसा तो मज़ा नहीं आएगा। सपनों में मेरे वो रोज आता और जाता है, वो अपने मुझको भी रोज बुलाता है। सपनों में मेरे वो रोज आता और जाता है। बहुत ज्यादा थक चुके, वो अपने मुझको भी रोज हम बैठ नहीं सकते। अब कैसे बताऊं, ओ भाई गिरा, ओ गिरी नहीं कहो पूरा गीला हो गए। मेरा दिल कहीं दूर, हम करेंगे इसमें चल रहे हैं खो गए ज्यादा। हाँ वाली जो उसमें है वो बहुत ही हल्की है, देखिए आपका हाथ में आ रही है, पहाड़ आप से मार भी सकते हैं, आप इसे खेल भी सकते हैं। उससे मिले हुए दोस्तों, यहाँ खास लेने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ही ज़्यादा सा, मैं खास नहीं ले पा रहा हूँ, भरने वाले हूँ मैं लगभग, मेरे को एक घंटे का, एक घंटे का बचा है मेरे से कुछ जीवन। बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही है, बहुत ही ज़्यादा सांस फूल रही है, आपको मफलर निकालना पड़ेगा तब आप ढंग से सांस ले पाओगे। आप मेरे पीछे जस्ट देखिए लोग कैसे खेल रहे हैं बर्फ में, जस्ट पीछे देखिए आप, बर्फ ही बर्फ है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ देखिए आप बर्फ बर्फ नहीं, पानी भरने की टेक्निक। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके बाद अब इसको धूप पर रखेंगे तो इसके अंदर पानी पानी बन जाएगा। ये दोस्तों अभी यहाँ ऊपर हमें झील भी दिखेगी, अभी मेरे को कहीं से पता चला कि यहाँ ऊपर झील भी है, तो अभी हम चलते हैं ऊपर, वहाँ देखते हैं झील है कि नहीं है, तो किस टाइप की झील है उधर, चलिए चलते हैं। बहुत ही ऊपर है यहाँ, मतलब यहाँ आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, अभी हम करंटली हैं चौथे पॉइंट पर, लगभग चौथे पाँचवें छठवें सातवें आठवें नौवें दसवें। तो जो ये रोप जाती है, जो ये लिफ्ट जाती है झील लिफ्ट, ये आपको सीधे 10वें रोप तक पहुँचाएगी। क्या है यहाँ पे, आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज ऑली। यहाँ नीचे देखिए आप, अरे बहुत कम पानी है भाई इसमें, बहुत कम पानी है इसमें। मैंने समझा इसमें पानी भर रखो, गर्म पेड़ा है भाई, इन्होंने कुछ कहीं इन्हों। बोलो रुको ही भाई, आपको ऐसी कितने रुपए पड़ी जी, 500 नहीं, जैसे आपको ऐसी गाड़ी भी मिलेगी। ये आपको नीचे से, यहाँ नीचे वो नीचे दिख रहा है जहाँ पे झील है, झील से आपको ऊपर ले जाएगी यहाँ ऊपर तक उस पॉइंट तक, और फिर आपसे इसका जो रेंट है, जो किराया है, वो कितना है आपका, 500 रुपीज़, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। ये है, लग तो बड़ा खतरनाक रहा है, लेकिन लोग वीडियो भी बना रहे हैं, लोग बात भी कर रहे हैं, इतने जाना है नीचे। लेकिन है ये बहुत ही ज़्यादा महंगा, तो हम चलते हैं पैदल अपने पैरों से, भगवान ने जो पैर दिए हैं उसका यूज करते चलते आगे। दोस्तों हम लगभग गेट नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं, अभी हमें गेट नंबर 9 पे जाना है, फिर गेट नंबर 10 जो सबसे टॉप पे है वहाँ जाना है। यहाँ देखिए आप, ऐसा कुछ खेलने का भी वो मिलेगा,
मजा मिलेगा। देखो आपको खींच रहे हैं ताकि मर गए मर गए मर गए क्या आपको दिख रहा है ये देखिए आप क्या मजे में जा रहे हैं। देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाइए तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरने, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाइए तारे हैं दो ढाबे ढाबा तो खुल नहीं रखा, ये खुल गए। अभी हमने मैगी ऑर्डर कर रखी है, चार प्लेट मैगी थी हमारी, हाथ मैगी हमें आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको खाना जो भी लाना है वो घर ही से लेके आना, यहाँ बहुत ही ज़्यादा महंगा है। यहाँ मैगी जो है वो 60 रुपए की है, जो एपी 10 रुपए की आती है वो 30 रुपए की मिल रही है, मतलब इसके वो 30 की मैगी, मतलब ब्यूटी मचा रही है। स्केटिंग मिलेगी कुछ दिन से, रेट कितना रेट है जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई, ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे जमीन। ये देखिए आप नीचे देख सकते हैं, ये देखिए ये बड़ा ही मज़ेदार सी चीज़ है, ये देखिए ये बड़ा ही खतरनाक चीज़ है यार, मतलब मज़ा ही आ गया। दोस्तों अभी हम जाएंगे जो वो गोल गोल टायर है उसमें बैठेंगे हम, और फिर उसमें रगड़ घुसी टाइप का खेलेंगे, तो चलते हैं मेरे साथ लोग आगे चले गए हैं, चलते हैं दोस्तों। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले, ये तो झोंके है पवन के, ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे जमीन पर।
गलियां है जैसे खिलने की जिद पर कलियां है जैसे मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं खो न जाइए तारे जमीन पर कभी बातें जैसे दादी नानी कभी चलते जैसे मम्मम पानी कभी बन जाए बोले अच्छा बच गई हम फिर उसमें घर जाए घर जाने में टाइम है घर जाने में लगभग 5-6 घंटे लगे हैं हम इसलिए घर चले जाए यहाँ से नीचे ट्रॉली से गाड़ी में ग्राउंड से चलते हैं पहुँचेंगे करीब 9-10 बजे चलिए दोस्तों बाय गाइस।